हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने आपका बेंट्स रूल और बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है? और आपको समझ में आया कि नहीं ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है? मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो बॉन्ड पैरामीटर का एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया, बॉन्ड एंगल। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर होता है बॉन्ड लेंथ, और तीसरा होता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड पैरामीटर का जो दूसरा तीसरा होता है बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी मेनली क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? आपको ऑर्डर सेट करने के लिए ही आता है, ठीक है? ऐसे ऐसे दो तीन चार कंपाउंड दे देगा और ऑर्डर सेट करने देगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ आपके प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं सवाल। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्या लिखा है? बॉन्ड लेंथ, सी एच बॉन्ड है, सी ओ बॉन्ड है, क्या है? सी सिंगल बॉन्ड सी है और सी डबल बॉन्ड सी। इनमें क्या है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सेट करने दे रहा है, या फिर ऐसे दो तीन कंपाउंड्स दे देगा, इसमें भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सेट करने के लिए देता है, ठीक है? कौन किसका कैसे सेट करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है? इस टाइप का आ जाएगा, और इसी टाइप का ये भी होता है, तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी ओ बॉन्ड लेंथ इसमें, ठीक है? तो ये हो गया। और एक वेरायटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दे तो भैया मेरे जरूर लोग गलत कर देंगे, ठीक है? ये वाली वैरायटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, साइज का ही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन एक लोन पेयर रिपल्सन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिससे ऑर्डर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसको मैं कायदे से बताऊंगा अभी, ठीक। तो ये चार वैरायटी के, ये चार लैंग्वेज के सवाल पूछता है, ऑर्डर सेट करने ही मेनली आता है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है? आइए, ठीक है, मेनली मैं बता दूं, जब देखिए बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? अगर हम एक का ऑर्डर सेट कर ले रहे हैं तो उसको अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, दूसरे का ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो इन तीन दोनों जो फैक्टर है ना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इनका ऑर्डर सेट करने के लिए हम तीन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। पहला क्या होता है? एटॉमिक साइज, ठीक है? एटॉमिक साइज, पहला एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी उतनी बड़ी होगी और बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता ही है बॉन्ड लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर ए और बी की साइज छोटी है, ठीक है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, साइज छोटा है तो बॉन्ड जो बनेगा उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन दोनों के न्यूक्लियस के क्या होगा, पास होगा। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस बॉन्ड के तोड़ने में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो साइज छोटी है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पास होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। वही अब अगर आपका साइज बड़ा है, तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, कम लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? पहला ये फैक्टर होता है। दूसरा होता है बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स देता है ना इस टाइप का, मॉलिक्यूल, जैसे कि सल्फेट वोल्फेट में दिखाओ ना इस टाइप का मॉलिक्यूल, इस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड किसी पर्टिकुलर एटम के बीच में है। तो जानते हैं जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी, मतलब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है? जैसे कि ये सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है ना, हम जानते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर हम जानते हैं, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो ये वाला जो फैक्टर था परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, इसको कहाँ यूज करना था, पीछे। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर
बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ, तो परसेंटेज एज कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया तो उसमें परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था बेंड्स रूल में, ठीक है। तो ये वाला हमारा तो पूरा हो चुका है, ये दोनों वाला बाकी है, तो ये दोनों मैं इस लेक्चर में करा देता हूँ। तो मैंने बताया एटॉमिक साइज क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और इन्वर्सली होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो चलो कुछ ऑर्डर सेट करते हैं। जैसे अगर ऐसे मान लो सी सिंगल बॉन्ड सी दे दिया, सी सिंगल बॉन्ड एन दे दिया, सी सिंगल बॉन्ड ओ दे दिया, इसमें अगर ऑर्डर सेट करना हो तो ये तो कॉमन है, जो कॉमन है उसको छोड़ दो। डिफरेंट कौन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, छोटी होती है। साइज छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। पहला ये ले लो, दूसरा ऐसा ले लो, दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग कि हाँ यही लो, सी डबल बॉन्ड सी ले लो, सी डबल बॉन्ड एन ले लो और सी डबल बॉन्ड ओ ले लो। इसमें भी देखो सब सेम है, बस क्या डिफरेंट है, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब चलो एटॉमिक साइज में जो इम्पॉर्टेंट वाला है उसको मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट वाला क्या है। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे एक चीज़ क्या याद रखो कि हाँ जो जनरली जो होता है ना मल्टीपल बॉन्ड, मैंने क्या बताया डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो इन अदर वर्ड क्या हो जाएगी कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये जो सी डबल बॉन्ड सी है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना उसी सिंगल बॉन्ड एच से ज़्यादा होती है। ये एक चीज़ याद रखो, क्योंकि ऑर्डर सेट करने में इन्हीं को बीच में घुसा देता है और ऑर्डर गलत हो जाता है। सब सोचेंगे कि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी सिंगल बॉन्ड से, तो लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है ना 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यही पिकोमीटर में देता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है 10 पिकोमीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 109 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे 134 पिकोमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये वाला जरूर याद रखो, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसी को ही, यही एक कंपाउंड है जो बीच में दे देता है और सब लोग जनरली यार सब यही जानेंगे डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला इसको क्या यहाँ पे दिया क्या है कि सी सिंगल बॉन्ड सी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी दिया हुआ है और तुम्हारा दिया हुआ है सी सिंगल बॉन्ड वो दिया हुआ है और सी सी सिंगल बॉन्ड एच दिया हुआ है, ठीक ठीक है। अगर हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ सी सिंगल बॉन्ड एच से ज़्यादा होती है तो देखो कैसे हम बॉर्डर मतलब ऑर्डर इजिली सेट कर लेंगे। तो पहले तो डबल बॉन्ड को भूल ही जाओ, इनमें कंपेयर करके देख लो, ठीक है। इनमें हम जानते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो साइज सबसे छोटी हाइड्रोजन की है, उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन में साइज किसकी छोटी है, इसकी छोटी, तो साइज सबसे छोटी इसकी, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी। तो साइज छोटी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सेट करें तो सी सिंगल बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड ओ, उसके बाद क्या हो जाएगी तुम्हारा सी सिंगल बॉन्ड सी। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि सी सिंगल बॉन्ड एच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो किससे कम होती है, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी से। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आपका हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी सिंगल बॉन्ड ओ इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी सिंगल बॉन्ड एच, ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। इनका तो आराम से सेट हो जाएगा, लेकिन ये बीच में आएगा ये कैसे पता चलेगा हमें, जब हमें ये याद रहे कि सी सिंगल बॉन्ड एच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना। ये याद रख लो, आपको ऑर्डर सेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल में क्या बताया था कि NO2 का बॉन्ड एंगल 134 डिग्री होता है और OCl2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 111 डिग्री। ये दोनों याद कर लो तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही एक दो जो होते हैं जिनका एबनॉर्मल होता है उनको बीच में घुसा देता है और बीच में घुसा देता है और ऑर्डर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है,
बिल्कुल नहीं करनी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। अब आओ कुछ वीआईपी लोगों के पास चलते हैं। वीआईपी कौन होते हैं? एटॉमिक साइज में वीआईपी वाले फैक्टर वही है जो मैंने दिखाया था। जैसे कि वही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी हो गया, ठीक है, एन सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ठीक, ओ सिंगल बॉन्ड ओ हो गया, और पी सिंगल सॉरी एफ सिंगल बॉन्ड एफ हो गया। अगर इसमें अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को लेके चलता हूँ, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। अगर इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। तो साइज़ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। ऑर्डर कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसे ऐसा हो जाता है, देखो यहाँ पे देखो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास दो दो लोन पेयर है, और इसके पास क्या है भैया मेरे, इसके पास तो तीन तीन लोन पेयर है। साइज छोटी है और लोन पेयर इतने ज़्यादा हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, साइज का फैक्टर मत देखना, लोन पेयर रिपल्सन वाला फैक्टर देखना। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगी, तुम्हारी साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर यह आता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा आता है, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा आता है। ये ऑर्डर किसका है, बॉन्ड लेंथ का, ध्यान रखना, लोन पेयर रिपल्सन। लेकिन वही अगर बोल दिया जाए यहाँ पे एस आई सिंगल बॉन्ड एस आई, ठीक है, पी सिंगल बॉन्ड पी, एस सिंगल बॉन्ड एच, और सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल, तो देखो सेकेंड सेल से थर्ड सेल में आ गए, मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन नहीं हो पाता क्योंकि साइज बड़ी हो गई तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो गई, तो लोन पेयर रिपल्सन काउंट नहीं होता। इन जनरल रूल चलता है कि साइज छोटी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। फिर सेकेंड पीरियड में ही साइज छोटी होने की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, उस रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो साइज का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चेंज हो जाता है। लेकिन थर्ड पीरियड के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इन जनरल रूल के हिसाब से चलता है क्योंकि इनमें लोन पेयर रिपल्सन नहीं लगता उतना। ओके, लेकिन ऐसा पूछ दिया जाए, ध्यान दो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी, इनमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ लोन पेयर रिपल्सन है या नहीं है, तो बॉन्ड एनर्जी इसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। वो सिंगल बॉन्ड ओ पूछ दिया जाए और एस सिंगल बॉन्ड एस पूछ दिया जाए तो एस सिंगल बॉन्ड एस की ज़्यादा होगी। अगर एफ सिंगल बॉन्ड एफ पूछ दिया जाए और सी एल सिंगल बॉन्ड सी पूछ दिया जाए तो सी एल वालों की ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा होती है, किसकी किसकी, इस फैमिली वालों की। लेकिन कार्बन का वही पूछ दिया जाए सी सिंगल बॉन्ड सी और एस आई सिंगल बॉन्ड एस आई की, तो कार्बन की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन भैया मेरे कैटानेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी क्या नाम है, कैटानेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, किसी से भी बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। ये कार्बन की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा उस पर बन गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना, ये वीआईपी वाले हैं। लोन पेयर रिपल्सन कहाँ लग रहा है, लोन पेयर रिपल्सन लगने की वजह से थर्ड पीरियड वालों की बॉन्ड एनर्जी सेकेंड पीरियड वालों से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो एक फेमस एग्जाम्पल होता है, फेमस एग्जाम्पल कौन कौन सा भाई, ये वाला कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और I2 हो गया, इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सेट करने के लिए देता है। तो कैसे हो जाएगा, इसमें लोन पेयर रिपल्सन लगता है, इतना रिपल्सन लगता है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी छोटी हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद I2, बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है बॉन्ड एनर्जी। और यही अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ दे तो बंदे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कैसा होता है, थर्ड पीरियड फ्लोरिन, फिर क्या क्लोरिन, फिर फ्लोरिन, फिर ब्रोमिन आपका, फिर जाके आयोडीन आता है, ये किसका ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ध्यान में रखना भैया मेरे, कन्फ्यूज मत होना, समझ में आया, कन्फ्यूज मत होना। ओके, बॉन्ड एनर्जी में फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ क्लोरीन से कम होती है, बात समझ में आ रही है। तो ये होता है एटॉमिक साइज वाला फैक्टर। एटॉमिक साइज से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हम सेट करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़, एक ही जगह चेंज हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन, बाकी सब
क्या हो, रूल के हिसाब से हो जा रहा है। और ये याद रखना है कि सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी 109 पिकोमीटर होती है, पिकोमीटर। ठीक है, ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक, तो ऑर्डर सेट हो जाएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, इतना तैयार कर लो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तैयार करो यार, सवाल बाहर से आया तो उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो ये वाला एटॉमिक साइज वाला फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी, और उसके प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इसमें बॉन्ड ऑर्डर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आओ दिखाता हूँ। पहला ही सवाल ले लेते हैं, CO CO2-, ठीक है, CO CO2 होता है और CO3-2 होता है। ठीक, ये वाला बहुत बार पूछा गया, करना क्या है तुमको, स्ट्रक्चर बना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाओ और देखो टोटल बॉन्ड्स अपन टोटल पड़ोसी। ठीक, पड़ोसी सब्स्टिट्यूएंट मतलब, जैसे कि यहाँ पे देखो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं, तीन तीन बॉन्ड है, और यहाँ सेंट्रल एटम ये है और इसका पड़ोसी कितने हैं, एक ही है, तो 3/1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो सी है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, टोटल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, और टोटल पड़ोसी कितने हैं, 2 हैं, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर, 2 आ गया। यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, ऑक्सी एसिड का एनायन है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, जितने माइनस चार्ज हैं उतने ओ माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ठीक, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4, और टोटल पड़ोसी कितने हैं, 3, तो ऑब्वियस देखो 3 हो गया, 2 हो गया, और ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, CO3-2 की बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा है, उसके बाद CO2 की, उसके बाद CO की, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, ये वाला इस टाइप का मॉलिक्यूल का ऐसे ही निकालना है। जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है सल्फेट दिया हुआ है SO4-2, एक सेकेंड ऑर्डर में लिख देता हूँ, जैसे कि Cl(O)4- दिया हुआ है, ठीक है, SO4-2 दिया हुआ है, PO4-3 दिया हुआ है, और SiO4 पे -4 दिया हुआ है। ठीक है, ये जानते हो जितने भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ये ऑक्सो एनायन होते हैं, मतलब ऑक्सी एसिड से एच प्लस निकाल दो तो बन जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड, जो सेंट्रल एटम है उससे एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, पॉसिबल OH जोड़ते हैं, पॉसिबल OH कितने बनेंगे, एक OH बनेंगे। फिर देखो ये दो स्टेप करने के बाद देखते हैं कौन सा एटम बच गया, तो दो ऑक्सीजन बच गया, जो एटम बच जाता है उसको उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है। अगर ऑक्सो एनायन आ गया तो क्या हो जाएगा, बस ये सेकेंड स्टेप चेंज हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या चेंज होता है, देखो पहला स्टेप तो वही होगा, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, ठीक है, फिर पॉसिबल OH की जगह ना पॉसिबल जितने नेगेटिव चार्ज रहते हैं उतने ऑक्सीजन को ओ माइनस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ओ माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, एक ही ऑक्सीजन ओ माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, जो बच गया थर्ड स्टेप वही सेम रहेगा कि जो बच जाए उसको उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 हैं, तो 7/4 आ जाएगा बॉन्ड। ठीक है, 7/4 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इसका सल्फेट का देख लो, सल्फेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़, ठीक, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ जोड़ दिया। ठीक, और जो ऑक्सीजन बच गया उसको डबल बॉन्ड ओ से जोड़ दिया, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 6 6/4 आ गए, सॉरी थोड़ा नॉइज़ हो गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, तो 6/4 हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है तुम्हारा, PO4 है, तो PO4-3 है तो फॉस्फेट है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, जितना नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा क्या हो जाएगा उतने आपके O माइनस के साथ जोड़ दो। ऐसे स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, किसी भी आप कोई भी कंपाउंड और स्ट्रक्चर बिना रटे आप बना सकते हैं, उसका रूल होता है। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर मैं बनवाना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितना है, टोटल बॉन्ड 5 है और टोटल पड़ोसी 4 है, तो 5/4 हो गया। अब SI सिलिकॉन के केस में होता है, 4 नेगेटिव चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ ओ माइनस के साथ जुड़ जाते हैं, तो टोटल देखो 4 बॉन्ड है और टोटल पड़ोसी भी क्या है,
इनसे चार है तो 4/4 वन आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन आया, और बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर वन से ज़्यादा, इसका वन से थोड़ा और ज़्यादा आएगा, इसका वन से थोड़ा और कम आएगा, इसका थोड़ा और कम आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आया, ये आया, तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेट करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और दो एग्जांपल करा देता हूँ, एक दो सारी पॉसिबिलिटी करा देता हूँ, जैसे कि SO3 ले लो, SO3 पे -2 ले लो और SO4 -2 ले लो, यहाँ पे भी क्या बनाओ, ऑक्साइड्स है तो सीधे क्या करो, डबल बॉन्ड और से जोड़ो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, दो हैं तो जुड़ गए ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा, डोंट वरी, अगर आ रहा है तो, ठीक है, ये हो गया और डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 6, टोटल पड़ोसी कितने हैं 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। टोटल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 4, पड़ोसी कितने हैं 3, इसका 1.33 आ जाएगा, ठीक है। टोटल बॉन्ड कितने यहाँ पे 6 हैं, पड़ोसी कितने हैं 4, इसका 1.66 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा, इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही होगा। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह आपका इसमें भी पूछता है, O2 O3 और H2 F2 में भी पूछ देता है, नहीं H2O2 में, H2O2 में, तो O2 में देखिए O डबल बॉन्ड वो होता है, बॉन्ड कितने हैं 2, एक सेंट्रल एटम होगा एक पड़ोसी होगा, तो 2/1 कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड वो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं आपके 3 है, टोटल पड़ोसी कितने हैं 2, तो 1.33 के आसपास, 1.5 के आसपास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर वो सिंगल बॉन्ड वो होता है, एच होता है और एच होता है, तो एक सेंट्रल एटम यहाँ मानेंगे ना, तो एक सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और कितने पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये होता है, तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटी जैसे हो सकती है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी में क्वेश्चन की, उसको मैंने करवा दिया। दो ही तरीके होते हैं, एटॉमिक साइज वाला फैक्टर, ठीक है, और ये बॉन्ड ऑर्डर वाला फैक्टर। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज में एटॉमिक साइज छोटी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एटॉमिक साइज में आपको वही याद रखना है जो सेकेंड पीरियड में NN सिंगल बॉन्ड, OO सिंगल बॉन्ड और FF सिंगल बॉन्ड है, वो में उसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना ही। और थर्ड फैक्टर जो था परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, वो पिछले लेक्चर में मैंने करवा दिया है, बॉन्ड्स बॉन्ड एंगल और क्या नाम है, बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल में, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर तभी यूज होता है जब किसी विद इन अ मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में पूछता है, ठीक है, पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या नाम है न्यूक्लियस के पास आ जा रहा है तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जा रहा है तो उस बॉन्ड में क्या हो जाएगा, उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तीन तीन जो पॉइंट्स होते हैं आपके बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को सेट करने के लिए, वो ये होते हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट को याद रखें। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है, कितना क्लियर हुआ बताना जरूर, ओके। समझाने की कोशिश क्यों, और इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, जितना कराया हूँ उतना कर लो, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ओके। तो चलो ठीक है, ओके।